झारखंड के चक्रधरपुर में मंगलवार को हुए ट्रेन हादसे ने सभी को चौंका दिया है। हावड़ा से मुंबई जा रही 12810 हावड़ा CSMT मेल के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेलवे ने इस हादसे के बाद कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कई के रूट में बदलाव किए हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार ये दुर्घटना हावड़ा मुंबई रेलवे लाइन पर चक्रधरपुर के पास पोल संख्या 219 के पास हुई है। दो दिन पहले यहां एक मालगाड़ी डीरेल हो गई थी, जिसके वैगन ट्रैक पर ही पड़े थे। हावड़ा मुंबई मेल दूसरे ट्रैक से आ रही थी और इन वैगनों से टकरा गई, जिससे ये हादसा हुआ। हादसे के तुरंत बाद राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। रांची में एक हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां कॉल कर लोग हादसे से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल क्षेत्र में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। फिलहाल मैं अभी वहां घटनास्थल में मौजूद हूं। आप यहां देख रहे हैं, ये हावड़ा मुंबई ट्रेन, जो हावड़ा मुंबई मेल है, ये हावड़ा से मुंबई की ओर जा रही थी और यहां बड़ा बम्बो के पास यहां पर ये डीरेल हुई है। और इसके साथ इसके बगल लाइन में जो डाउन लाइन से आ रही थी, चक्रधरपुर से टाटा की ओर जो जा रही थी, एक मालगाड़ी वो डीरेल हुई है। जैसा बताया जा रहा है कि मालगाड़ी पहले डीरेल हुई और उसके चपेट में आकर जो हावड़ा मुंबई मेल है वो डीरेल हुई है। हावड़ा मुंबई मेल जो ट्रेन है उसके अधिकांश बोगियां पटरी से उतर गई है। करीब जैसे 18 बोगी यहाँ ट्रक से उतर गई है और कितना जोरदार ये हादसा हुआ है आप देख रहे हैं कि ट्रेन की जो बोगियां है पूरी तरह से नीचे उतर गई है। स्लीपर यहाँ के प्राय बर्बाद हो गए हैं। और इस जो घटना में, इस हादसे में अगर कैजुअलिटी की बात करें तो 2 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है और दर्जनों लोग इसमें घायल हुए हैं। और फिलहाल अभी यहाँ पर चक्रधरपुर रेल मंडल के जो वरीय अधिकारी हैं मौके पर जमे हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके द्वारा आधिकारिक रूप से अभी ये नहीं बताया जा रहा है कि कितने लोग घायल हैं, लेकिन जो हमारे रेल कर्मियों से या अन्य सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, 20 लोगों के आसपास यहाँ घायल होने की जानकारी मिल रही है, जिन्हें चक्रधरपुर के अस्पताल ले जाया जा रहा है इलाज के लिए। या घटनास्थल में आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग भी आसपास के जमा हो गए हैं और फिलहाल यहाँ पर राहत कार्य जारी है। इस हादसे के बाद रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाए हैं। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कई के रूट में बदलाव किए गए हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त करें। लगभग सुबह 4 बजे हम लोग को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे ये ट्रेन दुर्घटना घटित हुई। उसके उपरांत रेलवे प्रशासन के साथ साथ सरायकेला जिला पुलिस एवं अपने जिला प्रशासन के साथ मिलकर हम लोगों ने रेस्क्यू का कार्य प्रारंभ किया और सर्वप्रथम अनुमंडल पदाधिकारी चक्रधरपुर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चक्रधरपुर के नेतृत्व में टीम यहाँ पहुँची। साथ ही साथ अभी हम लोगों ने RPF के साथ साथ CRPF और जो हमारी रिजर्व टीम्स होती है उनको यूज़ करते हुए लगभग यहाँ पे 200 से ज़्यादा बल तैनात किया है। और जब तक ये रेस्क्यू कार चलेगा, जब तक ये परिचालन सुचारू रूप से रिस्टोर नहीं हो जाता, तब तक सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी को यहाँ तैनात रखा जाएगा। और जिस प्रकार का एक्सीडेंट है, जिसमें हम लोग रेलवे के साथ मिलकर जिला प्रशासन के स्तर से भी हम लोग पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं। रेलवे के माध्यम से प्रथम दृष्टया क्या आ रहा है दुर्घटना का कारण? जो अभी तक हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है वो ट्रेन डिरेलमेंट ही है, जिसमें मालगाड़ी का डिरेलमेंट हुआ, जिसमें मालगाड़ी के डिरेलमेंट की वजह से जो अपनी मेल हावड़ा मेल है उसका इंजन उससे टकराया और उसके बाद ये पूरी जो पैसेंजर ट्रेन है उसका डिरेलमेंट हुआ, जिसमें 18 डब्बे उनके डिरेल हुए और जिसमें 4 डब्बे ज़्यादातर क्षतिग्रस्त है, बाकी 18 कुल डिब्बे डिरेल हुए। हावड़ा मेल और गुड्स ट्रेन के बीच में जो एक्सीडेंट हुआ, इसके कारण 18 डब्बे डिरेल हुए हैं। उस क्रम में करीब 15 से 20 यात्रियों को घायल हुए हैं और 2 लोगों के मृत्यु की सूचना है। इस क्रम में यहाँ पर जिला प्रशासन से, रेल प्रशासन से और नियर बाय डिस्ट्रिक्ट से सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी तक रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है और इसमें जो पैसेंजर्स हैं उनको निकालने का कार्य लगभग हो गया है।
और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं उनको रेलवे के द्वारा रिलीफ ट्रेन जो भेजी गई है इसके माध्यम से उनको नियर बाय चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन भेज रहे हैं। इसके अतिरिक्त बाकी जो और मेडिकल टीम्स और जो लॉजिस्टिक्स है वो सभी हैं, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है। हम सभी का फोकस है कि जल्दी से जल्दी जो घायल हैं उनको उपचार के लिए लेके जाएं और यहाँ पर जो यात्री फंसे हुए हैं उनको यहाँ से निकाल कर सुरक्षित। कन्फर्म नहीं है लेकिन जो अनुमान है दो लोगों की इसमें मृत्यु होने की सूचना है। सर जो नजदीक के अस्पताल है क्या उन्हें भी अलर्ट पे रखा गया है कि जो इसमें सबसे नियरेस्ट जो चक्रधरपुर का रेल हॉस्पिटल और जिला अस्पताल है उनको सभी को अलर्ट पर रखा गया है। सुबह 4 बजे से सभी लोग अलर्ट मोड में हैं। एम्बुलेंसेस के माध्यम से भी लोग यहाँ से निकाल के उपचार के लिए पहुँचाया गया। करीब 7 लोग अभी इस समय चक्रधरपुर रेलवे हॉस्पिटल में उपचार के लिए गए हुए हैं। प्रोजेक्ट टीम चाईबासा।